ऐसी भगवती मानत नर्मदा के महाराज उस तट की अभूतपूर्व महिमा है महाराज। और कहा है कि महाराज केवल मनुष्य नहीं, कीटा पतंगाश्च पीलिकाश्च। क्या कहा? कीटा पतंगाश्च पीलिकाश्च। कीट है, कीट पतंगे महाराज, छोटे जमीन पर चरने वाले उड़ने वाले कीट पतंगे हैं। पिपीलिकाश्च, पिपीलिका यानी चींटी, चींटी महाराज। ये भाई मृयंतिम भसि नर्मदायाः, कहते ये भी नर्मदा के तट पर रहने वाले, ते दिव्य रूपास्तु कुल प्रसूता, नर्मदा के तट पर भ्रमण करने वाले कीट पतंगे चीटे चीटी, ये भी जो सब नर्मदा के तट पर पहुंच जाते हैं ना, कहते हैं ते दिव्य रूपास्तु कुल प्रसूता है। ये महाराज अपने उस शरीर को त्याग कर दिव्य महाराज रूप पा करके उत्तम कुल प्रसूता, उत्तम कुल में जन्म लेते हैं, वो सभा धर्म पराभवंती। कहते हैं महाराज उत्तम कुल में जन्म लेना है तो उत्तम कुल में जाते हैं, नहीं तो धर्मराज की सभा में, धर्मराज की सभा में उत्तम स्थान पाते हैं। तो आप बताओ भगवती नर्मदा के तट पर पहुंचने वाले कीट पतंगे चीटे चीटी जब ऐसी गति पाते हैं तो मनुष्यों की क्या कहा जाए, हम सब क्या गति पाएंगे महाराज, क्या कृपा करेगी माँ तो नर्मदा, क्या कृपा करेंगे भगवान शंकर, जब जो कीट पतंगों पर ऐसी कृपा कर रहे हैं कि धर्मराज की सभा में महाराज आनंद प्राप्त करने के लिए इनको भेज देते हैं, तो मनुष्य के लिए तो और भी बड़ी व्यवस्था बना करके रखी होगी। ऐसा वर्णन आया। आगे चलकर भगवती मातु नर्मदा की महिमा में कहा है, काले नम्र वृक्षा प्रपतन्ति महातरंगौ नकृत्यमूला ते नर्मदाम्भो वीरपास्तापा वेदो दारिद्र्यत्रयम् प्रयान्ति। कहते हैं महाराज बड़ी सुंदर बात कही है, नर्मदा के किनारे पर भगवती नर्मदा के तट पर उगने वाले महाराज पेड़ पौधे हैं, छोटे हों चाहे बड़े हों महाराज पेड़ पौधे, बोले ये भी साधारण नहीं है, तो बोले ये अनेक अनेक युगों तक तपस्या करने वाले ऋषि महात्मा मुनिजन हैं, जो महाराज वृक्ष बनकर के, पौधे बनकर, पेड़ बनकर के, छोटे बड़े माता नर्मदा के तट पर प्रकट होकर उत्पन्न होकर के आए हैं, ये बड़े बड़े कई युगों तक इन्होंने तप किया, ऐसे महात्मा मुनिजन हैं जिन्हें भगवती जिन्होंने प्रार्थना करी हमें वास मिले तो नर्मदा के तट पर मिले, ताकि ताकि वो हमारे शरीर से, वृक्षों का शरीर क्या है महाराज, ये वृक्षों का शरीर है, कहा पत्ता टूट कर गिरे तो वो भी नर्मदा के जल में गिरे, इन्होंने प्रार्थना करी है, तप किया है, साधना करी है, तब जाकर के नर्मदा के किनारे पर ये आकर के और प्रकट हुए, उत्पन्न हुए हैं। कहते हैं भैया अगर नर्मदा के किनारे कभी जाओ नर्मदा में स्नान करने, तो नर्मदा के किनारे की जो महाराज लता पता झाड़ियां हैं, वृक्ष पेड़ पौधे, बोले स्नान करने से पहले इनको भी प्रणाम करो, ये साधारण नहीं है। हाँ, युगों युगों में तप करने के बाद इन्हें नर्मदा के तट पर स्थान मिला है, हैं महाराज धन्य हैं, धन्य हैं, और जिन्हें नर्मदा के तट पर स्थान मिला है वास करने के लिए, महाराज सौ कुल धन्य उमा सुन, भगवान शंकर कहते हैं उनका कुल धन्य है, उनका परिवार धन्य है, उनका मनुष्य जन्म लेना धन्य है, उनका संसार में आना धन्य है। महाराज आगे कितनी बढ़िया बात कही है, अकाम कामा चतुथा सकामा रेवांतमा सत्रमयंति तीरे जडांधमुका त्रिदिवं प्रयान्ति किमत्र विप्रा भवभावयुक्ता। कहते हैं महाराज जो मंद इच्छा से, तीव्र इच्छा से अथवा बिना किसी इच्छा से नर्मदा का आश्रय लेते हैं ना, नर्मदा के तट पर वास करते हैं महाराज, कहते हैं वो जीव मृत्यु को तो प्राप्त होते हैं, लेकिन मृत्यु को प्राप्त तो होते हैं लेकिन कभी ऐसी योनि में नहीं जाते जहां जीव को कष्ट होता हो।
उत्तम कुल उन्हें प्राप्त होता है, हैं? मुक्ति होती है, शिव पद मिलता है, ब्रह्म पद मिलता है, अनेक प्रकार से जीव की जो कामना होती है ऐसे ऐसे पद प्राप्त होते हैं। और महाराज कहते हैं जो जीव भगवती इस मात नर्मदा के इस पावन पुराण का चरण शरण ग्रहण करते हैं उनके बारे में कहा है महाराज, 7 दिन तक श्रद्धा और भक्ति के साथ जो भगवती मात नर्मदा के पावन यह ग्रंथ पुराण की शरण ले लेते हैं, भगवान शंकर उनके ऊपर ऐसी कृपा करते हैं जैसी कृपा नर्मदा के तीर पर वास करने वालों के ऊपर कृपा करते हैं। नर्मदा के तीर पर वास करने वाला और शिव महापुराण की शरण लेने वाला एक समान फल पाते हैं। और 7 दिन अगर सुनो तो कल की कथा में भी शायद वर्णन आया था कि नर्मदा मैया के पूरी परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है जो 7 दिन नर्मदा पुराण की कथा को सुन ले अथवा पूजा कर ले। महाराज अपने घर में अगर नर्मदा पुराण को कोई रख ले तो महाराज नर्मदा के तट पर वास करे अथवा वो अपने घर में नर्मदा पुराण को रखे एक समान। और कहा नर्मदा पुराण को नहीं रख सकते तो नर्मदा पुराण का एक श्लोक केवल मात्र अपने हाथों से एक कागज पर लिखो, केवल एक श्लोक एक कागज पर लिखो और लिख करके जैसे भगवान का विग्रह फोटो अपने घर में रखते हैं उस प्रकार एक लिखे हुए श्लोक को अपने घर में फोटो पट बना करके कोई रखे तो महाराज कहते हैं नित्य प्रति पूजा करे तो वो साक्षात भगवती नर्मदा के पूजन का फल वो जीव प्राप्त करता है। ऐसा महात्मा मार्कंडेय स्वयं अपनी वाणी से कहते हैं। आगे